इंदौर शहर में हर साल मालवा उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस बार यह आयोजन 2 मई से आरंभ होगा। इस कार्यक्रम में कई राज्यों के कलाकार आकर अपनी संस्कृति और कला को पेश करेंगे। लोक संस्कृति मंच ने लोक कलाओं और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मालवा उत्सव कराने की तैयारी पूरी कर ली है। यह जानकारी संस्था के संयोजक शंकर लालवानी ने दी। मालवा उत्सव का आयोजन 2 से 8 मई को लालबाग में किया जा रहा है। देश भर के 21 राज्यों के 400 से अधिक कलाकार और 450 शिल्पी इसमें भाग लेंगे। मालवा उत्सव 18 वर्ष से आयोजित हो रहा है, जिसमें शहर सहित प्रदेश के लाखों कला प्रेमियों की भागीदारी रहती है। इस बार का मालवा उत्सव बहन बेटी और बहू को समर्पित रहेगा। लोक संस्कृति में विगत 20 वर्षों से लोक कलाओं को संरक्षण और संवर्धन का काम करते आ रही है और लोक संस्कृति मंच के द्वारा मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग और नगर निगम के सहयोग से इस वर्ष का मालवा उत्सव लालबाग परिसर में 2 से 8 मई आयोजित किया जा रहा है। इस मालवा उत्सव में देश के विभिन्न राज्यों के लगभग 450 कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इसमें उत्तर के भी कलाकार हैं, पंजाब के भी हैं, तो कर्नाटक केरला के भी हैं, पश्चिम में गुजरात के हैं, तो पूर्व में नागालैंड मिजोरम उड़ीसा के भी कलाकार हैं और हमारा मध्य क्षेत्र मध्य भारत मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान महाराष्ट्र इनके भी कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। एक लोक कलाकारों का छोटा सा कुंभ यहाँ आयोजित किया जा रहा है और इसके साथ साथ एक शिल्प मेला भी आयोजित किया जा रहा है। यह शिल्प मेला किसी NGO द्वारा पूरे देश में सबसे बड़ा शिल्प मेला है, जिसमें लगभग 450 शिल्पी अलग अलग प्रांतों से यहाँ आ रहे हैं। ये वो शिल्पी हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला है, जिनको राज्य स्तर पर पुरस्कार मिला है, वो अपनी कला का प्रदर्शन भी करेंगे और बिक्री भी करेंगे। इसके साथ साथ व्यंजन मेला भी रहेगा और व्यंजन मेले में हमने इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो हमारे हर वर्ग उम्र के लोग हैं उनको अपनी आवश्यकता अनुसार। यह आयोजन 7 दिन का होगा, जो आमजन के आकर्षण का केंद्र रहेगा।